दूसरों की सहायता करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाता है। उक्त बातें श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज ने सिन्हा घाट पे आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान भागवत कथा का पाठ करते हुए कहा। आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। सिन्हा घाट पर महिलाओं एवं पुरुषों की प्रतिदिन प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन देखी जा रही है अवसर है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का, जो श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। महायज्ञ की तैयारी काफी जोरों पर चल रही है। आकर्षक मनमोहक यज्ञशाला को सजाया गया है। चातुर्मास के दौरान श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी अपने भक्तों को भागवत कथा का अमृतवाणी करते हैं। तीनों देश घूमकर सबसे पहले जो आ जाएगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। अब सब अपनी अपनी सवारी पर बैठ करके, चाहे गणेश जी हो चाहे शंकर जी हो, जिसका जो सवारी था, किसी का मोर वाहन, किसी का मुस वाहन, किसी का मुर्गा वाहन, ये दुनिया में जितने पंछी है वो सब देवताओं को वाहने हैं। कभी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे किसी का गिरगिट वाहन है, किसी का बिस्कुतिया वाहन है, किसी का मगर वाहन है, सबका कुछ ना कुछ वाहन है। सब जो भी अपने आप देवता है, संत है, ऋषि, सब उस रोड में परिक्रमा करने लगे। कोई आधे परिक्रमा किया, कोई पूरा परिक्रमा किया, कोई एक रूप की परिक्रमा किया, कोई कुछ किया, ऐसे में सारा लोग अपने आप उस प्रतियोगिता में है। गौतम ऋषि के घूमते घूमते तो हमको बहुत परेशानी हो जाएगी, कहाँ पे घूम घूमेंगे। और गौतम ऋषि ने क्या किया, अपना शालिग्राम भगवान जो रखे थे वही शालिग्राम भगवान के तीन परिक्रमा करके सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। कभी कभी विवेक से भी अपने आप में काम करना पड़ता है जी, बलि द्वारा सभी काम नहीं होता है। बुद्धि जस्य बलम तस्य, बल ठीक है लेकिन बुद्धि जहां है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अब गौतम ऋषि शालिग्राम अपने अमृतवाणी के दौरान उन्होंने कहा कि मोक्ष की इच्छा हो तो भोगी पुरुषों का साथ छोड़ देना चाहिए, यदि मानव को किसी का संग करना है तो भगवान के भक्तों, संतों और महात्माओं का संग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव को सद विचार से रहना चाहिए, स्वभाव मानव को अनवरत प्रयास और मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है तो निराश नहीं होनी चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। अमृतवाणी सुनने के लिए महिलाएं पुरुषों ने भाग ले रहे हैं। यह देखिए, राजनीति से हटकर धर्म के शरण में वक्त निकालते हुए बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष सह आरा विधायक हाथ जोड़े पहुंच रहे हैं जय स्वामी जी के पास। आम भक्तों की तरह बैठ के सुन रहे हैं अमृतवाणी। दिल में क्या मंशा है यह तो विधायक जी ही बता पाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति को जाना ही पड़ता है भगवान के दरबार में। सुनिए किस लिए पहुँचे हैं महायज्ञ में। आए हैं एक महात्मा को सुनने। क्या मांग रहे हैं? मानवता के कल्याण और सब सुखी समृद्धि बढ़े और शांति से अपना जीवन यापन करें। भगवान साहब के ही मांग है। एक बार गंगा जी। कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए घर न जाए, इसके लिए यज्ञ कार्यकर्ता प्रसाद बांटते देखे गए। यज्ञ कार्य के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, स्वतः हर व्यक्ति अपने कार्य में लगे हुए देखे गए। अमृतवाणी होने के उपरांत शांति पूर्वक भक्तों का हुजूम अपने अपने घर चले गए। अगर इसी तरह पूरे जीवन में लोग आपसी प्रेम, सद्भाव, कार्यों के प्रति जिम्मेदारी संभालते रहे तो निश्चित ही भारत को और ज्यादा विकास करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। किया जाता है कि आप प्रश्न कर सकते हैं, मुद्गल नाम के जो जोड़िया बताया गया है कि अगर जीवतो वाक करना छया ए भोरी भोजना, पिता के जीते हुए बेटा उनको प्रसन्न हो जाता है धन से, जन से, मान से, समान से, पुत्र का तो बहुत बड़ा उचित बहुत बड़ा उचित नहीं है। और ये दो ब्रज जी महाराज। फिलहाल समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोजपुर दर्शन। हर छोटी बड़ी खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू, क्योंकि हम करेंगे आपसे सीधी बात। हर सुबह नई खबरों के साथ हर मुद्दे पे होगी आपसे बात। हर झूठ को करेंगे पर्दाफाश, हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी निगाह, जिसे आप करेंगे स्वीकार। सच्चाई से कराएंगे सामना, हर पहलू पे होगी हमारी नजर। निष्पक्ष और निर्भीक,
हाँ मैं आपके साथ भोजपुर की तमाम खबरों के साथ। भोजपुर जिले का आपका अपना पसंदीदा चैनल भोजपुर दर्शन, जहां हर खबरों से कराएंगे हम आपको रूबरू। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो चुका है और इसमें काफी दूर दूर से संत महात्मा पधार चुके हैं। भोजपुर दर्शन कैमरा टीम लगातार आपको श्री लक्ष्मी प्रबंध जी स्वामी द्वारा आपको यह कार्यक्रम का प्रसारण हमेशा करता रहेगा। आप जरूर अवश्य देखें और पुण्य की भागी बने। साथ में आपको बता दें कि यह आकर्षक यज्ञशाला के अलावा कई संत महात्मा भी अपनी अमृत वाणी वहां दे रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहना है? प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य घर गृहस्थ आश्रम के उलझनों में रहता हुआ यज्ञ नहीं कर पाता है, इसलिए संत महात्मा यह स्वामी जैसे महात्मा चातुर्मास करते हैं और पूरे क्षेत्र को हजारों हजारों लोगों को प्रतिनिधि बना करके, उन सबको जोड़ करके उनके प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ कराते हैं। एक प्रकार से पूरे क्षेत्र के जो ये गृहस्थ लोग हैं जो रोज अपने घरों में यज्ञ नहीं कर पाते हैं, शास्त्रों की आज्ञा है ये करने के लिए, तो इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से मुझे लगता है उसकी पूर्ति हो जाती है जो बहुत आवश्यक है। आम जनता, आम भक्त नहीं समझ पाते हैं कि यज्ञ है क्या। नहीं समझ पाते हैं, आज का वातावरण ही कुछ ऐसा है। यज्ञ है क्या? यज्ञ तो हमारा जीवन ही है। यज्ञ से ही हम पैदा होते हैं, यज्ञ से ही हम चलते हैं और यज्ञ से ही हमारी मृत्यु भी यज्ञ मानी गई है। मृत्यु का भी दाह संस्कार माना गया है, हैं? हमारे जन्म की प्रक्रिया है, उसी को शास्त्रों ने यज्ञ कहा है। अत पंचम्याहुतः पुरुष वत्स भवन्ति, यानी पांचवी आहुति जो है वो जो जन्म की प्रक्रिया बताई शास्त्रों में है, वो पांचवी आहुति पुरुष के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में कही जाती है। गर्भ में हम कहते हैं बेटा है, बेटी है, पुत्र पैदा हुआ, पुत्री पैदा हुई, ये भी यज्ञ की प्रक्रिया का ही एक फल है। हमारे दर्शकों के लिए, भोजपुरवासियों के लिए, भक्तों के लिए यज्ञ कितने प्रकार के? यज्ञ तो श्रीमद् भगवत, यज्ञ एक पारिभाषिक शब्द है। वैसे तो देवतो देशेन द्रव्य त्यागा यागा, सत्कर्म के निमित्त हम अपने तन मन धन का कहीं भी उपयोग कर सकें वो यज्ञ कहलाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 16 प्रकार के यज्ञों को बताए हैं, 16 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। कुल में तो एक व्यापक शब्द है और यहाँ तक कह दिया यज्ञ शिष्टा शिला संतो मुच्यंते सर्व किल विषय ही भुंजते ते तो हम पापा ए पचंत्यात्म कारणात्। यज्ञ एक दृष्टि देता है मनुष्य के लिए कि वो समाज को भी देखे, समाज के हित में शास्त्र विहित, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार समाज को भी देखे, जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, वो भी यज्ञ है। स्वाध्याय भी यज्ञ है, भजन भी यज्ञ है और यज्ञ मंडप में आखिर में देवता है। हमारा जीवन जो है अकेले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, हम उठ भी नहीं सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं, लेट भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे खरी थाना, वेदों में परिषदों में भगवद गीता भागवत रामायण आदि में कहा गया है हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पर एक एक देवता है, हैं? है जैसे भुजाओं के देवता इंद्र हैं, आंखों के देवता सूर्य हैं, नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं, कान, इस प्रकार से इन देवताओं देव शक्तियों का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इनकी भी कृपा है। हम जब किसी व्यक्ति एक व्यक्ति हमें पानी पिलाता है, हम उसका बदला चुकाना चाहते हैं। माता पिता हमारे प्रति जो उपकार करते हैं हम उसको चुकाना चाहते हैं। यदि अड़ोसी पड़ोसी हमारी कोई सहायता कर देता है हम उसका बदला चुकाना चाहते हैं। लेकिन जो देव शक्तियाँ हैं जिनको हम प्रकृति कहते हैं, जो हर क्षण 2400 घंटे हमारी सहायता में लगे हैं,
उनका ऋण हम कैसे चुकाएं? तो उनके उनके ऋण से ऋण होने के लिए शास्त्रों ने बताया कि आप अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दो, अग्नि के माध्यम से उन देव शक्तियों को जिनको प्रकृति कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वलक क्रिया, उस परब्रह्म परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, वो अहरनिश 2400 घंटे हर समय किसी न किसी प्रकार से हमें सहयोग देती हैं। जैसे वायु न हो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा, अग्नि न हो हम कुल्फी बर्फ बन जाएंगे, आकाश न हो हम कुछ भी नहीं है, पृथ्वी न हो तो हमारा शरीर नहीं है, तो जल न हो तो हमारा शरीर का जो ब्लड वही जल के रूप में है, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनको हम पंचभूत कहते हैं वो हमारे शास्त्र में सब देवता है, उनका सबका उपकार है। इन देवताओं की संतुष्टि के लिए भगवान ने स्वयं कहा है कि हे मनुष्य तुम देवताओं को संतुष्ट करो और तुमसे संतुष्ट होकर के देवता तुम्हारा कार्य करेंगे। तो ये यज्ञ चक्र है, एक प्रकार से अदला बदली है, उपकार प्रत्युपकार, हम आपके साथ करें, आप हमारे साथ करें, हम प्रकृति के साथ उपकार करें, प्रकृति हमारे साथ उपकार करें, यही यज्ञ है। महाराज का फल कैसे प्राप्त करें? जानकारी या अजानकारी का कोई विषय नहीं है, हम जानते नहीं हैं फिर भी दवा हमें लाभ पहुंचाती है, हम जानते नहीं हैं फिर भी गाड़ी पर बैठे हैं स्टेशन पहुंच जाते हैं, हम जानते नहीं हैं फिर भी यदि हम जानकार के साथ जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हमें लाभ पहुँचाएगा। अंतिम प्रश्न महाराज क्षमा के साथ, आज धार्मिक अनुष्ठान व्यवसायीकरण में बदल चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए व्यवसायीकरण में बदल चुके हैं तो वह ठीक हो जाने उनका काम जाने, लेकिन धर्म व्यवसाय है, धर्म व्यवसाय है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि धर्म व्यवसाय है, लेकिन जिस दृष्टि से हम उसको लेते हैं वो दृष्टि नहीं है। आखिर में जब कहा गया अग्नि की उपासना से आपको ये मिलेगा, वरुण की उपासना से आपको ये मिलेगा, इंद्र की उपासना से आपको ये मिलेगा, लक्ष्मी जी की उपासना से आपको ये मिलेगा, नारायण की उपासना से, शंकर जी की उपासना से आपको ये मिलेगा, तो ये व्यवसाय नहीं तो क्या है? लेकिन ये व्यवसाय व्यवसाय बहुत अच्छा है। हम चोरी करें, डकैती डालें, बंदूक की नोक पर, हथियार के बल पर धोखाधड़ी ठगी बग्गी करें, वो गलत है, लेकिन यज्ञ व्यवसाय तो है, धर्म व्यवसाय तो है। स्वयं शास्त्र ने कहा है कि तुम धर्म के माध्यम से आगे बढ़ो, धर्म के माध्यम से आगे बढ़ोगे तो आप अच्छे कहलाएंगे, अच्छे मानव कहलाएंगे। रावण भी आगे बढ़ा है और राम भी आगे बढ़े हैं, राम धर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, रावण अपने मनमाने तरीके से आगे बढ़ता है। तो धर्म व्यवसाय है, सदा से है, उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। अब ये जरूर है, एक है कि व्यवसाय अर्थ के लिए, भोगों के लिए धर्म का सहारा लेना ये पाप है, ये पाप है। और धर्म के द्वारा यदि हमें भोगैश्वर्य प्राप्त हो रहा हो तो ये सन्मार्ग है, ये सन्मार्ग। सिन्हा घाट गंगा के पावन, माँ गंगा के पावन तट पर सिन्हा घाट के समीप लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है, बहुत से बाहर से आपके संत पधार चुके हैं, अमृत वाणी हो रही है, उम्मीद है कि आप जरूर भाग लेंगे, और साथ ही महाराज जी ने बहुत गुड़ गुड़ चीजों के बारे में जो आपको जानकारी दी, शायद ये सारी बातों को आप नहीं जानते होंगे, नहीं समझ पाते होंगे, यज्ञ कितने प्रकार का है, यज्ञ का फल क्या है, यज्ञ कैसे की जाती है, यज्ञ का अर्थ क्या होता है, और बहुत तरह की जो आपके दिल की बात थी उसको महाराज जी ने आज आपको स्पष्ट किया। उम्मीद है कि आप जरूर अभी पूरे आगामी 8 अक्टूबर तक ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चलता रहेगा, आप जरूर भाग लेकर उपस्थित होकर पुण्य का भागी बनेंगे। भक्ति का एक माध्यम है वो है संगीत, संगीत के माध्यम से भी भक्ति भगवान की आराधना, माँ की आराधना, देवी की आराधना किया जाता है संगीत के माध्यम से, ताकि व्यक्ति रोचक के साथ साथ में पूरे उसकी तन मन और धन से कि कोई जरूरत नहीं, केवल मन और तन की जरूरत पड़े उसमें धन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और संगीत के माध्यम से आप
कर सकते हैं। गंगा माँ गंगा की तट पर सिन्हा घाट के समीप जो महालक्ष्मी नारायण यज्ञ का महायज्ञ का आयोजन की जा रही है उसमें बहुत से दूर दूर से संत महात्मा पधार चुके हैं, जिसमें संगीत के माध्यम से भी अमृत वाणी लोगों की कल्याण के लिए धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है महाराज जी। वैसे तो महाराज जी काफी दूर से चलकर आए हैं, क्या कहते हैं अपने भक्तों को, भोजपुर वासियों को, आइए सुनते हैं। पहले आपका परिचय। जी मैं डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री, मैं काशी से आया हूँ। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया है पुराण में, और यहाँ पर महाराज जी ने मुझे भागवत कथा करने के लिए बुलाया है। भोजपुर में आप पधारे हैं, क्या कहेंगे भोजपुर पधारने में आपको कैसा अनुभव हुआ इस महायज्ञ में? भोजपुर की धरती को लगता है देखने से कि बहुत प्राचीन नगरी है और इसकी जो सभ्यता है वो हमारे काशी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि काशी की अपेक्षा भोजपुर की भी जो नगरी की महिमा है वो ऐसी कम मालूम नहीं पड़ती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रमणीय लग रहा है। एक काशी आपके बनारस में, जबकि मिनी काशी आपके बरहपुर में, यानी काशी का क्षेत्र आपकी भोजपुर को भी माना जाता है, जिसके बारे में महाराज जी ने आपको जानकारी दी। आप पधारे, मिनी काशी है काशी आपका बनारस मिनी काशी, लेकिन हमारी आपकी भक्त हमारे दर्शक ये नहीं समझ पाते हैं कि मिनी काशी में बात होती है महापुराण में, धर्म में, महायज्ञ में आत्मा के बारे में। आत्मा है तो क्या? आत्मा परमात्मा का एक अंश है, आत्मा परमात्मा का मूल अंश है, और वह आत्मा जब परमात्मा से भिन्न हो जाती है तो जीव के साथ शरीर धारण करके धरती पर आती है। अवध पूरा होती है तो शरीर जैसे कपड़ा पुराना होता है तो जीव सपने की तरह शरीर को छोड़ करके और पूरा परमात्मा में विलय कर जाता है। अर्थात परमात्मा ही आत्मा का एक अंश है और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा के एक अंश है और परमात्मा ही आत्मा के अंश है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये आप सोचते हैं? आत्मा जो होती है वो शरीर के आवरण से और माया से अवच्छिन्न है, माया से बंधी हुई है, जिसके प्रकृति के तमाम सारे उपक्रम और तमाम सारे पत्रों से घिरा रहना होता है। लेकिन परमात्मा स्वतंत्र होता है, आत्मा परतंत्र हो जाती है जीव के साथ रहने पर और परमात्मा स्वतंत्र। आपने सुना कि महाराज जी ने कहा कि परमात्मा स्वतंत्र है जबकि आत्मा स्वतंत्र नहीं है। अंतर आपको बहुत बारीक, और आपके मन में हमेशा यह आता होगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों में अंतर क्या है? यज्ञ क्यों की जाती है महाराज? यज्ञ इसलिए किया जाता है कि यज्ञ हमारे सृष्टि का मूल कर्म है। यज्ञ न यज्ञ में यंत्र देवा स्थान धर्मान प्रतिमान न्यासक, ऐसा हमारे ऋग्वेद इत्यादि वेदों में प्रमाण आता है कि यज्ञ से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ और यज्ञ वही विष्णु, विष्णु ही हमारे यज्ञ हैं और यज्ञ ही हमारा विष्णु है। इसलिए हम यज्ञ करके अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने मानव जीवन की एक प्रारंभिक सीढ़ी से प्रारंभ करते हैं। इसलिए यज्ञ का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। यज्ञ का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अगर यज्ञ नहीं होता तो शायद सृष्टि नहीं होती, हम और आप नहीं होते, यह कहना है महाराज जी की। लेकिन बात आती है कि लक्ष्मी नारायण ने महायज्ञ का फल क्या मिलता है? आप पधारे, एक बार पधारे या आप प्रतिदिन पधारे, लेकिन लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का फल है तो क्या? लक्ष्मी और नारायण ये ब्रह्म और माया, लक्ष्मी है हमारी माया और ब्रह्म है हमारे भगवान जी, तो माया और नारायण इन दोनों की कृपा से सृष्टि चलती है, तो ब्रह्म और माया की कृपा से जगत का कल्याण होता है। अर्थात परमात्मा ही एक माया के स्वरूप में, अपनी अलादनी शक्ति के स्वरूप में संपूर्ण जगत का कल्याण करता है, और वही नाम पड़ा लक्ष्मी और नारायण। जो नारायण वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी वही नारायण है, भेद यही है कि वो भगवान की आलादनी शक्ति है, इसलिए उनका नाम लक्ष्मी। फल क्या है इस महायज्ञ का? महायज्ञ इस यज्ञ का फल यही है कि इस यज्ञ के करने के बाद मनुष्य को जीवन में और किसी प्रकार के यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह मूल यज्ञ है हमारे जीवन में।
आपने सुना महाराज जी की बातों को कि यह महायज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यह मूल यज्ञ है। इस यज्ञ में अगर आप भाग ले लिए तो जीवन में फिर दोबारा किसी प्रकार का कोई यज्ञ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सारे यज्ञों का फल लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के करने से प्राप्त होती है। बात आती है कि धर्म के प्रति आज बहुत कुछ लोगों का मन भाग रहा है, उसके कारण व्यवसायीकरण भी है, क्या कहेंगे? धर्म वास्तव में व्यवसाय का विषय नहीं है, धर्म तो चिंतन और मनन का विषय है। परंतु कलकाल में जो स्थिति विकृत होती जा रही है, बिगड़ रही है, लोगों ने धर्म को एक प्रकार से बोझ समझ रखा है और धर्म के साथ तमाम प्रकार से अन्यायकृत हो रहे हैं, जिसके चलते लोग धर्म से भाग रहे हैं। हकीकत यह है कि धर्म व्यवसाय की चीज नहीं है, धर्म तो अध्याय व्यवसाय की चीज है। और जीवन में यदि धर्म नहीं तो फिर वो मनुष्य होने का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म का होना आवश्यक है और धर्म का व्यवसायीकरण तो वैश्वीकरण तो होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो धर्म का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति करता है तो अपराध करता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि धर्म व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय अर्थ को नहीं होना चाहिए, भोग को नहीं होना चाहिए। वो व्यवसाय धर्म को प्रचार में, धर्म के और विकास में मदद होनी चाहिए, तो वो धर्म व्यवसायिक धर्म बदल जाती है। यानी धर्म व्यवसाय होने के साथ साथ में वो गलत नहीं है, अगर धर्म के साथ व्यवसाय किया जाए तो वो आपके माध्यम गलत है, कहना है महाराज जी को। महाराज जी का वचन अमृत वाणी आप लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पहुँच कर ये जरूर सुने और लाभ उठावे, पुण्य के भागी बने। पुनः सभी भक्तों की ओर से, भोजपुर दर्शन से भी दर्शकों की ओर से महाराज जी आपको प्रवासियों भक्तों की ओर से आप पधारे, आपको बहुत बहुत सबके तरफ से नमस्कार है, चरण स्पर्श है। आप भोजपुर में पधारकर सारे के कल्याण के लिए जो आपने आए यहाँ पर, पुनः एक बार आपको बधाई, चरण स्पर्श। महायज्ञ क्या है? हमारे भक्त बहुत नागा अज्ञान है, अशिक्षित है, नहीं जान पाते हैं महायज्ञ, यज्ञ नहीं महायज्ञ क्या है? सबसे पहले यज्ञ को समझना होगा, तभी महायज्ञ को। यज्ञ का अर्थ हमारे यहाँ शास्त्रों में तीन माना गया है, तीन अर्थों में यज्ञ माना गया है। यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेश, यज्ञ कहते हैं जिसमें हम देवताओं की आराधना करें। दूसरा है श्रेष्ठ सत्पुरुषों का, जिनके आचरण पुनीत हो, उनकी संगति करें और दान करें। तो प्रश्न उठता है कि हमारे भीतर आराधना की क्षमता बनी रहे, हम जिससे भी कुछ लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति रही है और हमारे यहाँ सनातन धर्म भी उसे कहते हैं, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। जैसे भगवान सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, सरकार बिल बिजली देती है तो बिल देती है, लेकिन भगवान सूर्य तो कोई बिल देते नहीं हैं। तो मानो हम उनको एक लोटा जल चढ़ाकर, उनके प्रति थोड़ा पुष्प जल निवेदित करके उनकी अर्चना करते हैं। तो देव पूजा के माध्यम से हम लोग चाहे वायु देवता को, चाहे जल देवता को, चाहे सूर्य नारायण को, उनके प्रति कुछ चढ़ाकर पत्र पुष्प उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो यज्ञ का पहला अर्थ है कि हम यज्ञ के माध्यम से देवताओं का यजन करें, अर्चना करें, पूजन करें। और दूसरी बात है कि संगति करण, यह जीवन में सबसे बड़ा महत्व रखता है कि हमारे जीवन में अच्छी संगति हो। हमारे शास्त्र नहीं कहते कि सर्प से बचो, शेर से बचो, लेकिन जरूर कहते बुरी संगत से बचो। आज समाज जिस दिशा में जा रहा है, इसमें यज्ञ की उपयोगिता बढ़ जाती है। आज हम कहते हैं निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, है ना, बिजली के खंभे का निर्माण हो, लेकिन इन सारे निर्माणों से सबसे अधिक आवश्यक है कि हमारे चरित्र का निर्माण हो। चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो बिजली का तार काट कर ले जाएंगे। तो सबसे अधिक आवश्यक है कि चरित्र का निर्माण हो और वह निर्माण यज्ञ से होता है। दूसरी बात है, आज विज्ञान की बड़ी उन्नति है, आप भी विज्ञान का ही माध्यम लेकर आए हैं जिससे अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो विज्ञान हर चीज को बचाना चाहता है, हर चीज बचे, सुरक्षित रहे, दूध न बिगड़े इसकी चिंता है, सब्जी न बिगड़े हमें चिंता है, हम फ्रिज बनाए, रेफ्रिजरेटर बनाए, लेकिन मनुष्य न बिगड़े इसके लिए हमारे पास क्या है? मनुष्य न बिगड़े इसके लिए हमारे पास यज्ञ जैसे कार्यक्रम है। हम यज्ञ करें, सत्संगत करें, अच्छे लोगों का साथ करें,
हमारे जीवन में अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें। और फिर तीसरा माध्यम है दान। यज्ञ को हम एक इस अर्थ में भी लेते हैं कि अपने संग्रहित संपत्ति का विकेंद्रीकरण है यज्ञ। जैसे हमने बहुत सी संपत्तियों को एकत्रीकृत करके रखा है, अब आप देख रहे हैं कि रोजगार के लिए इतनी समस्या है, यहाँ एक भोजन बनाने वाले से लेकर के छप्पर बनाने वाले से लेकर के रेवटी लगाने वाले से लेकर के इतने प्रचुर मात्रा में रोजगार भी है, सारे लोगों से कुछ लेकर इसका विकेंद्रीकरण कर देना। और दूसरी बात, दान का मूल तात्पर्य है कि हम अपने बुराइयों का दान करें, और यही हम करते भी हैं। जो सारे लोग आए हैं उनसे शिक्षा प्राप्त, मानव जीवन में जो मानव मन है यह कई कई कुसंगति में पढ़ करके बुरे आचरणों को ग्रहण कर लेता है, तो इस संदर्भ में हम अपनी बुराइयों का दान करें। और दूसरी चीज, यदि हम कुछ दान भी करते हैं तो उससे हमारे अहंकार का दान होता है, कुछ न होने का जो हमें भान होता है कुछ दे करके, यह एक श्रेष्ठ चीज है। मैं जो मानता हूँ कि आज समाज में यज्ञ की कितनी उपयोगिता है, यह भारत है जहाँ की स्त्री की लाज की रक्षा के लिए एक पक्षी ने प्राण की आहुति दे दी थी। आज देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का आचरण गिर रहा है समाज में, लोगों का चरित्र गिरा। उत्थान किसका हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन हम गिरे हैं तो चरित्र से गिरे हैं। आज दुनिया भर की कहीं बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिलती है, कहीं हमारे भारत की बहु बेटियां चलती हैं तो छिछले छिछोरे छेड़ते नजर आते हैं। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है? आज संस्कृति का उत्थान चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा से बर्बाद तो हम हुए ही। एक जगह हम थे स्कूल में, पता चला कि फरवरी का हर डे जो है अलग अलग डे है, हैं? किसी दिन फ्रेंडशिप डे है, किसी दिन कौन डे है, एक दिन तो एक थप्पड़ डे भी है। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार डाला जाएगा तो क्या करेंगे? बड़े होकर फ्रेंडशिप करेंगे, उल्टे पुल्टे चीज सीखेंगे। तो संस्कारों का विसिंचन बचपन से होना चाहिए। आज संस्कार की बहुत आवश्यकता है समाज में, आज चरित्र की बहुत आवश्यकता है समाज में, आचरण की बहुत आवश्यकता है समाज में, और इसके लिए यज्ञ इसमें एक बहुत उपयोगी चीज है। पहले जब हमारा देश ऋषि प्रधान था तो आए दिन हमेशा यज्ञ आगादी हुआ करते थे। आज के इस भाग दौड़ के समय में जब मानवता भटक रही है, कराह रही है, तो ऐसे यज्ञ, यहाँ पधारे हुए संत, पूज्य श्री जीयर स्वामी जैसा संत मानवता को एक नई राह दिखाते हैं और बताते हैं कि मानव जीवन बड़ा अनमोल है, व्यर्थ में गंवाना ठीक नहीं है। और यहाँ जिन जिन चीज़ों की चर्चाएँ हो रही है, जैसे हम रामायण को ही ले लें तो रामायण मानव जीवन का संविधान है। राम का चलना, उठना, बैठना, भाई भाई का संबंध क्या हो, पिता पुत्र का संबंध क्या हो, मित्र मित्र का संबंध क्या हो, और शत्रु के साथ भी हमारा कैसा संबंध हो, यह भी हमें राम के चरित्र से देखने को मिलता है। हम पूरी राम कथा सुनाकर कहते हैं कि देखो भाई, रामादिवत वर्तितव्यम न वर्तितव्यम रावणादिवत। हमें राम का आचरण आना चाहिए, रावण का नहीं। और सच है, आज दशहरा चल रहा है, इस समय यज्ञ का आयोजन है, हर जगह एक एक रावण जलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या रावण के पुतले से को जला देने से रावण की वृत्ति समाप्त हो जाएगी? आज हर व्यक्ति के भीतर एक राम की जरूरत है, और जब वह राम का आचरण आएगा तो हम अपने भीतर के भी राम रावण को मार सकते हैं, समाज के भी रावण को मार सकते हैं। व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा देश अच्छा होगा, और हमारा देश अच्छा होगा तो विश्व भी इससे सीखेगा, क्योंकि भारत हमेशा सिखाने वाला रहा है। इन सारे उद्देश्यों को लेकर यज्ञ आयोजित है। महाराज, क्षमा के साथ आचरण की बात आपने कहा, नित्यानंद स्वामी के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि चाहे नित्यानंद स्वामी हो, चाहे ऐसे बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं, कहीं कहीं ऐसे समाज में बहुत सी बातें आती हैं, और मैं मानता हूँ कि समाज का जो हर वर्ग है, केवल नित्यानंद स्वामी की ही बात नहीं है, जस्टिस की बात हमने सुनी थी, कभी कभी प्रशासनिक विभाग में बात ऐसी सुनने को मिलती है, कभी कभी पत्रकारों के भी, तरुण तेजपाल की भी आप बात कर सकते हैं, उनकी भी बात सुनने को मिलती है। तो हम यह मानते हैं कि किसी एक व्यक्ति में दोष आने के कारण हम पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते, और यह मानव जीवन है, इसीलिए हमारी जो आर्ष परंपरा रही है वो सबको सावधान करती है कि भाई आप आचरण की पवित्रता रखें, इस आचरण में कब कहाँ दोष आ जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता, और आचरण की पवित्रता आवश्यक है। यज्ञशाला, यज्ञशाला के बारे में भक्तों की जरूरत है संक्षिप्त। हम यज्ञ, हाँ जी, हमें जैसे आज प्रयोगशाला हो गया है, कभी प्राचीन समय में हमारी यज्ञशाला थी, हम उसमें प्रयोग करते हैं और उससे जीवनदायिनी शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिससे सारा वातावरण परिशुद्ध हो जाता है, जो हमारे जीवन को शुद्ध करने में बहुत सहायक है।
जो आप देख रहे हैं काफी खूबसूरत यह नजारा है आपके लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी ना कहाँ तक ले रहे हो? यहाँ तक मैं इस समय खड़ा हूँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो हो रहा है सिन्हा घाट में गंगा माँ के तट पर। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी ही खूबसूरत के साथ यज्ञशाला का निर्माण हुआ है। यह यज्ञशाला बनकर तैयार हो चुका है और यहीं पर भक्त जो है यज्ञशाला में हवन करेंगे, इसकी परिक्रमा करेंगे और चारों तरफ इसकी कितनी ही खूबसूरत के साथ इस यज्ञशाला को सजाया गया है ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आए। आम भक्तों को, महिला भक्त और पुरुष भक्तों को अलग अलग लाइन से होकर परिक्रमा करने के लिए भी व्यवस्था यज्ञशाला के किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस यज्ञशाला में कई संत महात्मा की द्वारा एक साथ हवन की जाएगी। साथ में आपको भी बता दें कि इस यज्ञशाला जो सिन्हा घाट के पास आप देख रहे हैं आज से 70 साल पहले